ग्यारहवें इमाम अलैहिस्सलाम का यही शाहकार है। अगर आप देखें तो बारहवें इमाम अलैहिस्सलाम तो गैबत में, लेकिन उनसे पहले के जो तीन इमाम हैं वो कमसिनी के अंदर गए हैं। नवे इमाम सिर्फ 25 बरस के थे, 25 उनकी एज थी जब उनकी शहादत हुई। दसवें इमाम 41 साल के थे, 41, ये भी कोई ज्यादा एज नहीं। और ग्यारहवें इमाम सिर्फ 28 साल के थे, 28। बहुत कम सीने के अंदर जो आइम अलैहिस्सलाम हैं, ये के बाद एक इनकी शहादतें हुई हैं। और ये बनी अब्बास का वो दौर है जिसमें मुसलसल वो लोग कोशिश करते रहे कि आइम्मा जो मुख्तलिफ अंदाज से आने वाले एक तूलानी गैबत के दौर के लिए उम्मत को तैयार कर रहे थे कि एक बहुत तूलानी गैबत आने वाली है। और आइम्मा बार बार कहते थे एक बहुत तूलानी गैबत आएगी, हलक फिल मुस्ताजलून, जल्दबाजी करने वाले तबाह हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। कज़बिल वक्तातून, जो वक्त को मुय्यन करेंगे, ये कहेंगे कि इमाम का जहूर अगले साल होने वाला है, या ये कहेंगे 100 साल तक नहीं होगा, वो सब झूठे हैं, कोई वक्त नहीं जानता। कोई आलिम हो, कोई मर्जा हो, कोई और मोमिन हो, कोई सूफी हो, कोई वक्त नहीं बता सकता इमाम के जहूर का, किसी को नहीं मालूम। कोई आदमी कभी ना कहे कि मैं जानता हूं, 1000 साल नहीं आएंगे या अगले साल आने वाले हैं, कोई वक्त नहीं बयान कर सकता। तो ये मुख्तलिफ अदवार के लिए आइम्मा तैयार कर रहे थे, खुसूसन ये जो आखिरी तीन इमाम थे, इन्होंने जहनों को तैयार किया ताकि लोगों को मालूम हो गैबत में कैसे वक्त गुजारना है। ग्यारहवें इमाम ने भी उसी अंदाज से क्या किया कि अपने एक वकला का जाल बिछाया और बारहवें इमाम का मुसलसल तारुफ करवाते रहे। जवासीस यानी जासूस बैठे रहते थे इमाम के घर पे, खवातीन खिदमत की गर्ज से, मर्द आते थे बाहर खड़े रहते थे कि सबको मालूम था पैगंबर इस्लाम कह गए मेरे 12 वसी होंगे, तो 11वें इमाम ये हैं, 12वें ने इन्हीं के यहां आना है। तो किसी तरीके से जब मालूम हो तो उनको उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। ये बड़े बड़े दुश्मनों की साजिश थी। तो 11वें इमाम अलैहिस्सलाम बे इंतहा इख्तनाक में, बे इंतहा कह लीजिए कि उनके ऊपर जासूस बैठे रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने पैगाम को पहुंचाते थे। एक बहुत बड़ी साजिश कुरान के खिलाफ शुरू हुई 11वें इमाम के दौर में, और उसमें कोशिश की गई, इसहाक किंदी नामी एक बहुत बड़ा आलिम था, उसने कोशिश ये की, जो मुनहरिफ हो जाते हैं बाज़ुकात लोग जब ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं और उनके सही रहनुमाई नहीं होती, सही तरबियत नहीं होती, तो क्या होता है कि वो काबिलियत की वजह से बाज़ुकात गुमराह हो जाते हैं। आइम्मा की मुसलसल खुदा की तरफ से मुसलसल हिदायत की जरूरत होती है इंसान को सिरात मुस्तकीम पर रहने के लिए। तो इसहाक किंदी जो है बहुत काबिल था, उसने किताब का नाम रखा, अभी किताब छपी नहीं थी लेकिन मशहूर हो गई, किताब का नाम रखा अत-तनाकुस फिल कुरान, कुरान में तनाकुस है माज़ल्ला यानी कंट्रडिक्शन है, कुरान में तजाद पाया जाता है, उसने किताब लिखना शुरू कर दी। और ये 11वें इमाम का दौर था, हर जगह मशहूर हो गई, लोग बड़े परेशान हुए कि ये आदमी 20 साल से एक किताब लिख रहा है, अभी छपी नहीं है लेकिन 20 साल में शोहरत हो गई कि ये साबित कर रहा है कुरान में कंट्रडिक्शन है, तजाद है, हर जगह बातें होने लगी। 11वें इमाम का दौर आया तो आपने अपने एक शागिर्द से कहा कि तुम उससे करीब हो जाओ। कहा मौला उससे करीब होने का फायदा क्या होगा? आपने कहा करीब हो जाओ, मैं बताऊंगा फायदा क्या होगा। सिर्फ करीब हो जाओ, वो तुम पे एतमाद करने लगे, वो तुम पे ट्रस्ट करने लगे। जब करीब हो जाओगे, मैं बताऊंगा, तुम्हारी तरबियत करूंगा कैसे सवाल करने का। अच्छा मौला। तो वो इमाम का शागिर्द हर रोज जाके इसहाक किंदी की खिदमत करने लगा और जाके उसकी किताबों को सही करके रखता, ऐसे वैसे। वो सोच रहा था कि इमाम कहेंगे किताब चुरा लो, का नहीं, एक सवाल कहूंगा उससे सवाल कर लेना। जब एक दिन इसहाक किंदी ने देखा कि बहुत करीब हो गया, वो उस पर ट्रस्ट करने लगा है, तो बहरहाल उसको किताबें ले जाने देने लगा। अब उसने कहा मौला मैं बहुत करीब हो गया हूं, अब बताइए काम क्या है। इमाम ने कहा उससे सिर्फ एक सवाल कर लेना, ये सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। इमाम ने कहा सिर्फ एक सवाल कर लेना। कहा मौला क्या सवाल करूं? कहा उससे सवाल ये करना कि तुम इतनी मुद्दतों से ये किताब लिख रहे हो कि कुरान में कंट्रडिक्शन है, कुरान में तनाकुस है, कुरान में तजाद है, कुरान की बातों में टकराव है, एक बात दूसरे से टकराती है, तो ये बताओ क्या तुमने आयात को वैसे समझा है जैसा कि अल्लाह जिसने कुरान नाजिल किया है उसने समझाना चाहा है? बहुत से लोग समझ गए, बहुत से लोगों को शायद थोड़ी और वजाहत करनी पड़ेगी। का ये पूछो उससे कि तुमने कुरान के मानी को वैसा समझा जैसा अल्लाह ने समझाना चाहा है?
उसने कहा बस मौला इतना सा सवाल। मौला ने कहा, उस बेचारे शागिर्द को भी मौला के सवाल समझ में नहीं आया था, मौला ने कहा बस ये सवाल कर लेना, वो समझ जाएगा मैंने क्या सवाल किया है, लेकिन ये मत बताना सवाल किसका है, ये सवाल तुम कहना मेरा ही है, ताकि अपने तौर पे सवाल करो, मैंने तुम्हें समझाया तुम अपने तौर पे सवाल करोगा, ठीक है मौला मैं सवाल कर लूंगा। अब वो इसहाक किंदी के पास गया, कहा उस्ताद मेरा एक आपसे सवाल है, अगर आप बुरा ना मनाएं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहां पर खुदार बताओ सवाल क्या है। कहा ये बताइए जो आप किताब लिख रहे हैं कंट्रडिक्शन फिल कुरान, कुरान में तनाकुज है, तजाद है, टकराव है, तो ये बताएं क्या आप ये जो टकराव पेश कर रहे हैं कुरान में टकराव है तजाद है, आपने आयतों को वैसा समझा है जैसा अल्लाह ने समझाना चाहा है। तो एक मरतबा वो खामोश हो गया, कुछ देर सोचता रहा। कहा ये तुझे सवाल किसने बताया है, कहा तुझे सवाल किसने बताया। कहा मेरे अपने जहन में सोचा। कहा नहीं तेरे जहन की इजाद नहीं है ये सवाल। कहा क्यों, मैं क्यों नहीं सोच सकता। कहा 20 साल से मैं किताब लिख रहा हूं, मैं तेरा उस्ताद हूं, मेरे जहन में ये सवाल नहीं आया। जब मेरे जहन में नहीं आया तो तेरे जहन में कैसे आ सकता है। ये किसी बहुत बड़े आदमी का सवाल है जो इल्म का समंदर होगा। कहा ये मुझे इमाम हसन अस्करी ने सवाल बताया। उसने कहा उनके अल्लाह तल्हा का उनके अलावा ये सवाल कोई नहीं बता सकता था। कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद उसने अपनी किताब उठाई और वो कुएं में कूद गया। उसने एक वेल के अंदर, कुएं के पानी के अंदर छलांग लगा दी, लोगों ने उसको बचा लिया, किताब डूब गई। तो लोगों ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। कहा क्योंकि इस एक सवाल ने मेरी 20 साल की मेहनत को जाया कर दिया, कि कुरान को जब मैं वैसा समझा ही नहीं हूं जैसा अल्लाह ने समझाना चाहा, तो फिर मुझे यह कैसे पता कि इसके अंदर टकराव पाया जाता है। जब अल्लाह की बात को वैसे समझना चाहो जैसे अल्लाह ने चाहा है हजरात, तब बात वाज़े होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अहले बैत से कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, जब वो समझाएंगे तो फिर मालूम होगा कुरान में कंट्रडिक्शन नहीं है। हजरात सहाबा का बहुत मर्तबा है, जैसे जैसे आयतें नाजिल होती थी ना वो कुरान पे अमल करते थे। कुरान कहता था नमाज पढ़ो, सहाबा नमाज पढ़ते थे। कुरान कहता था रोजा रखो, सहाबा रोजा रखते थे। कुरान कहता था जिहाद करो, सहाबा जिहाद करते थे। कुरान कहता था राह खुदा के अंदर इन्फाक करो, सदका दो, सहाबा इन्फाक करते थे, सदका देते थे। कुरान कहता था ज़कात दो, वो ज़कात देते थे। कुरान कहता था हज करो, वो हज करते थे। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम वो हैं कि जब वो नमाज पढ़ के ज़कात देते थे तो आयत नाजिल होती थी, जब वो बिस्तर रिसालत पे सोते थे तो आयत नाजिल होती थी, जब जनाब सय्यदा राह खुदा में रोटियां देती थी तो सूरा नाजिल होता था। तो अहले बैत वो हैं, ये असहाबा जो आयतों के मुंतजर हैं, आयतें अहले बैत के मुंतजर हैं कि अहले बैत कोई काम अंजाम दें तो सूरों की आयतें नाजिल होंगी। तो हजरात अहले बैत के फजाइल को, उनके मकाम को समझें। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बड़े ही गहरे अंदाज से हजरात, ये दौर था 11वें इमाम का जहां पे आप जहनों को तैयार कर रहे थे कि कुरान को समझो और आले मोहम्मद को समझो। तो मुख्तलिफ लोग आते थे, सवालात करते थे। इमाम अपने घर में सामर्रा के अंदर, जहां पे आपके बाबा का रोजा भी था, आपने पूरा अहतमाम कर रखा था, तो आप मुसलसल जितनी भी उस वक्त हजरती थी तहरीकें थी सबको तारफ करवा रहे थे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से समझने की कोशिश करो। आज एक तफसीर भी मौजूद है जिसे मनसूब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, मनसूब है, मनसूब है, लेकिन लाजमी नहीं कि सब कुछ इमाम का हो, क्योंकि उनके शागिर्दों से कोताही हो सकती है सुनने में समझने में, तो इसलिए उन्होंने लिखा कि इमाम ने जैसा बताया था। लेकिन हर चीज हमारे उलमा कहते हैं कि ये इमाम से नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की कि इमाम ने जो कुछ कहा और जितना याद रहा उन्होंने लिख दिया। तो इमाम ने मुख्तलिफ शागिर्दों को तैयार किया और बहुत बड़े बड़े रावियान हदीस को तैयार किया, बड़े बड़े उलमा को तैयार किया। उसके फौरन बाद उसे लकाफी लिखी गई, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हदीस की, शिया सुन्नी दोनों मतलब है फिक्र के अंदर। तो 11वें इमाम ने सारे के सारे उस जमाने के मुमिनीन को, मुसलमानों को तैयार किया कि देखो रसूल खुदा ने जो वादा किया था वो पूरा होगा। और आज मैं सिर्फ एक और दो बातें पेश करूंगा 11वें इमाम की जिंदगी से, और फिर 11वें इमाम के जो शहादत के और आखिरी इमामत के दौर है उसके मुताबिक बात करना चाहता हूं। सलातुल्लाह अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो कुरान के अंदर बेइंतहा आयात हैं और आइम अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को उनकी तफसीर बताई और तैयार किया। ग्यारहवें इमाम सलाम ने क्या किया कि जो खुम्स का निज़ाम कायम हुआ था तारुफ करवाया, कहा कि मेरे वकला को दो, और वकला को बताया कि कहाँ कहाँ मसरफ हो सकता है, खुम्स के मसारिफ क्या है, यानी कहाँ पे स्पेंड किया जा सकता है, कहाँ खर्च किया जा सकता है, और फिर तरबियत करने लगे। इमाम के एक वकील थे जो कुम में रहा करते थे, कुम के अंदर, कुम शुरू से इमाम के मानने वालों की एक शहर था जो ईरान में है, अभी बहुत छोटा सा शहर था, तो बहुत बड़ा शहर हो गया। तो वहां से एक वकील इमाम का गया और साथ में एक शिया ने कहा कि मैंने कहा मैं जाना चाहता हूं ताकि देखूं तो सही कि ग्यारहवें इमाम के बाद वो बारहवें इमाम कौन होंगे जो पूरी दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म और जोर से भर चुकी होगी। कहा मैं जाके इमाम से पूछूंगा। अब वो आए, जब सामर रहे आए ना, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन इशारा किया, कहा कि आज का अपना खुम्स मुझे मत दो, वो जो चार बरस का बच्चा बैठा है ना उसे जाके अपना खुम्स दो, उससे हिसाब किताब कर लो। तो वो शिया कहता है कि इमाम के वकील ने ले जाके खुम्स का हिसाब देना शुरू कर दिया। मुझे ताज्जुब होने लगा कि ये कैसे इमाम एक चार बरस के बच्चे के पास भेज दिया, बच्चे को क्या मालूम होगा। तो कहा कि बच्चे ने बगैर पूछे फौरन कहना शुरू किया, देखो इस थैले के अंदर इतने पैसे हैं, उस थैले में उतने पैसे हैं, वो जिस शिया ने भेजा ये उसको वापस कर देना, उसे कहना हमारे तरफ से हमने कबूल कर लिया, तुम्हारे हमसाय के अंदर एक गरीब आदमी रहता है, ये पैसे उसको दे दे रहा। कहा ये पैसे हमने कबूल नहीं किए। कहा मौला क्यों? कहा इसके अंदर इतने पैसे हैं लेकिन जिस शिया ने भेजे हैं ना उसने अपने हमसाय का हक मार रखा है, अपने भाई का हक मार रखा है, हम गसबी पैसों से खुम्स नहीं लेते हैं। कहा उसे कहना वापस कर दे। फिर कहा कि इस जो ये जो तुम्हारा थैला ना इसके अंदर इतने दिनार है, इतने दिरहम है। कहा नहीं मौला इसमें इतने नहीं है, इससे ज्यादा है। इमाम ने कहा नहीं, अभी बैठ के गिन, जितने मैंने बताए उतने ही होंगे। तो उन्होंने गिनना शुरू किया। तो उसने गिनना शुरू किया, कहा नहीं मौला जो आपने कहा वो नहीं है, जो मैंने कहा था वो भी नहीं है, कुछ और है। मौला ने कहा फिर गिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मैं कह रहा हूं वही है। अब वो जो साथ में शिया आया था वो देखने लगा ताज्जुब से कि कैसे इस बच्चे को हर चीज मालूम है। उसने दोबारा गिना, कहा मौला जो आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही, उतने ही दिरहम है, उतने ही दीनार है। इमाम ने कहा ये पैसे मैंने कबूल किए, जब वापस जाओगे तो तुम्हारी बस्ती के अंदर एक बेवा खातून रहती है, उसके पास यतीम बच्चे हैं, हमारी तरफ से ये खुम्स के पैसे उस बेवा खातून को दे देना। तो अब वो शिया बैठा था, उसने ताज्जुब किया, कहा मौला आप कौन हैं और ये आप सब कैसे जानते हैं कि बगैर थैला खोले आपको मालूम है कितने पैसे रखे हैं, आप नाम तक जानते हैं, आप ये तक जानते हैं किसने किस नीयत से भेजे हैं, गसबी हैं कि जायज पैसे हैं। इमाम ने कहा तू नहीं जानता, मैं रसूल खुदा का वो फर्जंद हूं जिनका उन्होंने वादा किया था कि जमीन को अदल इंसाफ से भरेगा। तो आपने गौर फरमा ना, ग्यारहवें इमाम ने जहनों को तैयार करना शुरू कर दिया कि सब लोग जहन अपने अभी से जहन नशीन कर लें कि एक बारहवें ने आना है और उनकी गैबत है। दो तरह की गैबत है, गैबत सुगरा है, गैबत कुबरा है। तो फौरन ग्यारहवें इमाम ने जहनों को तैयार किया और फौरन वाबस्ता करना शुरू किया, कहा अभी से जहन नशीन कर लो, एक बारहवां आने वाला। हजरत गुज़श्ता भी बाज़ खुलफा जो थे ना उन्होंने क्या किया, जैसे मामून सब एक हदीस रसूल खुदा की सबके जहनों में थी कि पैगंबर ने फरमाया मेरे 12 वसी होंगे और 12वें का नाम मेहदी होगा, तो सबके जहनों में ये बात थी। मामून ने भी यही किया था, तवज्जो है ना रोके मेरे साथ। मामून ने यही किया, अपने एक बेटे का नाम मेहदी रख दिया, उसके कई बेटे थे, इसलिए आयमा ने जब भी उस मेहदी का नाम लिया ना कहा मत कहा करो मेहदी, कहा करो मेहदी अब्बासी, अब्बासियों का मेहदी है, ये हमारा मेहदी वो नहीं है। तो उसके कई बेटे थे, मोहतमद था, मोतसिद था, और ये मेहदी था। तो क्या किया इमाम ने, इमाम ने अब आठवें इमाम का दौर था तो उसने अपने बेटे का नाम मेहदी रखा और वो लोगों से कहने लगा, कहा देखो रसूल खुदा के जो चचा थे अब्बास, मैं उनकी नस्ल से हूं और रसूल खुदा ने कहा था कि अहले बैत में से एक मेहदी आएगा दुनिया को उतना इंसाफ से भर देगा, तो ये वही मेहदी है जो रसूल खुदा ने कहा था। अब काफी लोग कंफ्यूज हो गए, बड़े परेशान होने लगे। तो अक्सर औकात वो बुलाया करता था, आवाज देता था, बेटा मेहदी कहां हो, जैसे आवाज देता था ना तो सारे के सारे लोग मुतवज्जो होते थे, कहते थे वो मेहदी है या नहीं है। तो आठवें इमाम ताजीमन खड़े होकर कहते थे वो जो मेहदी जिसके हम इंतजार में हैं उसका बाप भी उसकी ताजीम में खड़ा होता है।
और जिसको ये मेहदी कहते हैं कभी ये मारते हैं कभी भाई मारते हैं, उसे कुछ मालूम ही नहीं है कि हम जिस मेहदी के मुंतजर हैं वो अल्लाह की हुज्जत है। तो हर इमाम ने ताकीद की है कि देखो पहचानने की कोशिश करो, जो हुज्जत खुदा होगा उसके बेनतः अलामात होंगी, वो अल्लाह का नुमाइंदा है। तो अब 11वें इमाम सारे अजहान को तैयार कर रहे हैं, हर मानने वाले को, हर जानने वाले को, हर मुसलमान को मुतवज्जे करते थे, याद रखो गैबत आएगी, बहुत से लोग हलाक हो जाते। और फिर इमाम ने कसरत से लोगों के अंदर, अच्छा कई लोगों को ये शुभा था कि भाई जवासीस जाते रहते थे, जासूस आते थे, और अक्सर खवातीन अंदर आती थी, कहती थी इमाम की अजवाज के ऊपर निगाह रखना, जब भी विलादत के आसार हों फौरन जाके खबर कर देना बादशाहों को। तो हजरत जिस तरह से जनाब इब्राहिम का कभी मालूम ही नहीं था नमरूद को कि उनकी विलादत होने वाली है, क्योंकि अल्लाह का वादा था कि एक बच्चा आएगा वो जवान होगा, इब्राहिम बनेगा, नमरूद को शिकस्त दे देगा। इसी तरह से अल्लाह ने वादा किया था जनाब मूसा के लिए कि जनाब मूसा की विलादत होगी, जवान होंगे और फिरौन को शिकस्त दे देंगे। तो इसी तरह से अल्लाह ने वादा किया था कि कोई मेहदी बरहक आएगा। तो अब वो सारे के सारे अब्बासी जो थे वो बार बार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की अजवाज की जासूसी के लिए खवातीन को भेजते थे, कहते थे बस मिलने चली जाया करो, देखा करो कि आसार विलादत तो नहीं है, और आसार विलादत हमेशा छुपे रहते थे। तो जब जैसे ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने एक रात नीमा शाबान की रात में अपनी फुप्पी जनाब हकीमा खातून से कहा, फुप्पी जान आज रात हमारे घर में रुक जाइएगा, क्योंकि वो जो 12वें के लिए रसूल खुदा ने वादा किया था आज उसकी आमद है, आज हुज्जत खुदा पूरी दुनिया के अंदर जो अदल इंसाफ कायम करने वाला है। तो जनाब हकीमा खातून ने भी ताज्जुब किया, सवाल किया, कहा कि भतीजे आपकी कौन सी जोजा से विलादत है, कोई विलादत के आसार नहीं है। कहा फुफी अम्मा नरजिस खातून के हुजरे में रहिएगा, आज रात विलादत की रात है। जनाब नरजिस खातून कहती है जब आधी से ज्यादा रात गुजर गई तो मैं सोचने लगी कि आज रात विलादत है भी या नहीं है, कोई आसार ही नहीं है। क्या मैं सोच रही थी कि बाहर सहन के अंदर से इमाम हसन अस्करी ने आवाज दी, कहा फूफी अम्मा अल्लाह के वादे पे शक ना कीजिएगा, आज ही रात आमद है। क्या कुछ ही देर गुजरी थी, मैंने कहा मैं तशदीद वजू कराऊं, कहा जैसे मैं वजू करके वापस आई तो देखा कि पूरा हुजरा नूर से भरा हुआ है, मैंने देखा कि शायद आग ना लग गई हो। जब देखा तो देखा एक जमीन पे बच्चा सजदे में है और बार बार सजदा करके कह रहा जा अल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया है बातिल जा रहा है, बातिल आया ही जाने के लिए था। आपने गौर फरमाया तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सबके जहन तैयार कर रहे हैं, कहा कि देखो ये आमद आमद है। जनाब नरजिस खातून कहती है जैसे मैंने बच्चे को देखा ना, मैंने उठाया देखा कि बच्चा नहायत पुर नूर है, ऐसी मैंने मखलूक दुनिया में सिर्फ आइम्मा की शक्ल में देखी है। बच्चे को मैंने सलाम किया, बच्चे ने फसीह बली अरबी जबान में जवाब दिया वालेक सलाम, फुफी अम्मा आप पे भी सलाम हो। कहा मुझे फौरन 11वें इमाम ने आवाज दी, कहा फुफी अम्मा मेरे बच्चे को मेरे पास ले आइए। कहा मैं फौरन बच्चे को लेके गई, जैसे बच्चे को लेके गई 11वें इमाम ने अपनी आगोश में लिया, फौरन चूमा, कहा कि सलाम हो मेरे बेटे आप पर। तो उस बच्चे ने फौरन जवाब दिया, जनाब नरजिस जनाब हकीमा खातून जो 9वें इमाम इमाम हुसैन की बेटी हैं, इमाम अली नकी की बहन है, इमाम हसन अस्करी की फुफी हैं, और वो उसी जरी में है जहां पे 10वें और 11वें इमाम का रोजा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि फसीह बली अरबी जबान में 12वें इमाम ने कहा सलाम हो मेरे जद रसूल खुदा पे, सलाम हो मेरे जद अली मुर्तजा पे, सलाम हो मेरी दादी जहरा पे, सलाम हो हसन हुसैन मेरे अजदाद पे। और फिर सबके नाम लेके कहा बाबा आप पे भी सलाम हो और मुझ पे सलाम हो, उसका खालिक कायनात ने इस खानदान को चुन लिया है कि जमीन पे अदल इंसाफ कायम हो जाए। कहा जनाब हकीमा खातून कहती मैं इंतजार में थी कि अचानक चारों तरफ से नूर के परिंदे नाजिल होने लगे, मैं एक तरफ फौरन घबरा के हट गई, देखा कि चारों तरफ से दीवारों पे नूर के परिंदे बैठे हुए हैं, एक परिंदा बार बार आता है नूर का, जैसे परिंदा नुमा एक चीज है बार बार आता है, 12वें इमाम के कान में कुछ कहता है फिर चला जाता है। मैं बड़ी परेशान थी, अचानक 11वें इमाम अलैहि सलाम ने कहा फुफी अम्मा ये मलाइका हैं जो अल्लाह की तरफ से आसमान से नाजिल हुए हैं, और ये जो आप बार बार देखती हैं ना कि कान में आके मेरे बेटे से कुछ कहता, यही जनाब जिब्राइल हैं जो कहते हैं कि आप अल्लाह के वली हैं, मलाइका ने आपको सलाम भेजा है। तो ये पूरा का पूरा निजाम हस्ती
रसूल खुदा के 12 वसी हैं, रसूल खुदा की आल हैं, ज़ुर्रियत हैं, तो हम एक 12वें इमाम के कायल हैं जो गैबत में हैं। इमाम हसन अस्करी ने सारे अजहान को तैयार किया, बच्चे की तरबियत से लेके जब 5 बरस के हो गए मुसलसल तारुफ करवाते रहे। आपने अपने फरीजे को इसीलिए अंजाम देना जरूरी समझा ताकि किसी जहन में कोई शुभा ना रह जाए, कभी कोई ये ना सोचे कि वो 12वें कौन है, कब आएंगे, कैसे होंगे, कितनी शहादतें हो गई हजरात, कितनी यानी गवाहियां हो गई, शहादत से मुराद गवाहियां हैं हजरात। जब एक मरतबा 11वें इमाम साहब की शहादत हुई ना, तो सब के सब जो बनी अब्बास थे, जो उनके खुलफा थे, उन्होंने कहा कि 11वें इमाम का जनाजा, शियों के 11वें इमाम का जनाजा किसने पढ़ाया। कहा कि उनके भाई खड़े थे, लेकिन अचानक उनके घर से एक 5 बरस का बच्चा निकला, उसने अपने चचा की अबा को पकड़ा, कहा चचा जान हट जाइए, इस जनाजे के पढ़ाने का मेरा हक ज्यादा है। कहा वो खड़े हो गए और उन्होंने तकबीरात कही और उसके बाद वापस घर में चले गए। बनी अब्बास ने फौरन कहा कि जाओ जाके उस घर को छान मारो। और आज तक ये बहस है कि वो सारी की सारी बटालियन, वो जो फौज का एक दस्ता था, वो 11वें इमाम के घर में दाखिल हुआ और बच्चे को तलाश करने लगा, बच्चा ना मिल सका। वो कहते हैं जब एक पूरी फौज ने तलाश किया और बच्चा नहीं मिला, इसका मतलब है वो है ही नहीं। बात समझ में आई है? उनका इश्काल ये, वो कहते हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं क्योंकि एक फौज ने तलाश किया। मेरा सवाल है, फौज ने तलाश क्यों किया? फौज का तलाश करना इस बात की अलामत है कि जो सारे शहर ने देखा था कि एक बच्चे ने जनाजा पढ़ाया है, वो फौज देखने गई थी कि जो पूरे शहर ने देख लिया, वो बच्चा गया कहां है? सबने कहा सरदाबे मुबारक में चले गए। हजरात, एक मैं यहां पे फलसफे की दलील को पेश करूंगा, ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा, अगर आपके समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसान और सादा करके पेश करूंगा। फलसफे का कानून है कि अगर आप किसी शय को तलाश करें और ना मिले, तो ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो शय नहीं है, बल्कि इस बात की अलामत है कि आपको मिली नहीं है। चलो मैं मिसाल दे देता हूं। मेरी मिसाल के तौर पे ये अंगूठी खो जाती है किसी इमामबाड़ा के इस सहन के अंदर, मैं तलाश करता रहा, मुझे अंगूठी ना मिले। अंगूठी का इस सहन में मुझे ना मिलना इस बात की अलामत नहीं है कि अंगूठी यहां नहीं है, बस ये अलामत है कि मुझे नहीं मिली। तो हजरात, उस आपने गौर फरमाया, तो फलसफे का कानून है कि अगर शय कोई चीज गुम हो जाए उसको तलाश करो, तो ना मिलने पे ये दलील नहीं है कि वो शय नहीं है। तो हजरात, अब सारी की सारी फौज तलाश कर रही है, तो इसलिए इब्तदाई उलमा के अंदर इख्तलाफ ये था कि इमाम जमाना की गैबत यानी क्या, आया गैबत से मुराद, ये मैं अगले चंद दिनों पर मौला से मुतालिक पेश करता रहूंगा मतालिक को, कि आया गैबत से मुतालिक ये है कि इमाम इनविजिबल है यानी आंखों से ओझल है, आंखों से गायब है, या नहीं गायब नहीं है, सामने होते हैं लेकिन पहचाने नहीं जाते, क्योंकि गैबत की अकसाम है। कुरान ने गैबत की अकसाम पेश की है, एक है गैबत की इंसान गायब है आंखों से ओझल है, और एक नहीं गायब नहीं है लेकिन पहचान में नहीं आता। जैसे जनाबे यूसुफ के भाई जब मिस्र पहुंचे, जनाबे यूसुफ अजीज मिस्र बन चुके थे, सब भाई देख रहे थे लेकिन पहचान नहीं रहे थे कि यही यूसुफ है, तो ये भी गैबत है यानी आंखों के सामने पहचाने नहीं जा रहे। तो उलमा में इख्तलाफ इस बात पे है कि आया इमाम जमाना आंखों से गायब है या गायब नहीं है, देखने में आते हैं पहचाने नहीं जाते। हजरात, इमाम अगर चाहें तो गायब हो जाएं और चाहें नजर आए पहचाने ना जाए। अब सीरा हलबिया जो हमारे अहले सुन्नत वल बरादरान भाइयों की एक सीरत नबवी है, वहीं से पेश कर रहा हूं, जिल्द अव्वल में, पैंबर मक्के में है, और दलील के तौर पे पेश कर रहा हूं बात को, पैंबर इस्लाम मक्के में है। सिर्फ दो दलीलें पेश करूंगा, तफसीलात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद अगर 12वें इमाम पे चाहूं तो एक से ज्यादा शरह पढ़ सकता हूं, एक एक कई कई दलीलें मौजूद हैं खुद मेरे पास, एक इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है। 12वें इमाम कोई मुख्तसर मौजू नहीं है, ये खुद कई अशरों का मौजू है। तो क्या कि दो दलीलें पेश कर रहा हूं, तो जनाब सीरे हलबिया के अंदर अल्फाज हैं कि जनाब खत्म मरतबत पे उम्म जमील अबू लहब की बीवी, वो क्या करती थी, आके अजियत किया करती थी, ओजरी फेंक दिया करती थी, तौहीन करती थी पैगंबर इस्लाम की। तो मस्जिद उल हराम में पैगंबर इस्लाम खाना काबा के सामने बैठे हैं अपने सहाबा के साथ, इतने में उम्मे जमील को आते देखा, पैगंबर इस्लाम ने फौरन कहा ये आ रही है, मुझे देख नहीं पाएगी।
तो सहाबा ताजुब करने लगे कि जब आ रही है पैगंबर सलाम सामने बैठे तो देख कैसे नहीं पाएगी। इतने में आई, आके सहाबा से सवाल शुरू किया, कहा रसूल मोहम्मद कहाँ है, वो तो नहीं मानना, रसूल खुदा तो नहीं मानती थी, कहाँ है, और बहुत कुछ कहा। उसके बाद चले गए, पैगंबर सलाम ने कहा देखा ये मुझे देख नहीं पाई, अब अगर आएगी तो देख पाएगी। कहा अब अगर आएगी तो देख पाएगी। कहा या रसूल खुदा ये क्या चीज है। कहा मैं कुदरत रखता हूँ, इख्तियार रखता हूँ खुदा की तरफ से, जिसे चाहता हूँ नजर आता हूँ, जिसे चाहता हूँ नजर नहीं आता। हजरत आज तक अल्लामा मजलिसी ने 24 मोजजात बदन जिसमें रसूल खुदा के लिखे हैं आज तक आपने देखा होगा। बाज़त पत्थरों पे पैगंबर इस्लाम के निशान हैं, तवज्जो है लोगों की। तो सहाबा के राम कहते थे कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा, बाज़त पैगंबर कच्ची मट्टी पे रेत पे चलते थे निशान नहीं बनते थे, बाज़त पत्थरों पर चलते थे निशान बनते जाते थे। तो कहा जहां पैगंबर इस्लाम चाहते थे उनके नक्श बनते जाते थे, जहां नहीं चाहते थे नक्श नहीं बनते थे। जिसका इतना इख्तियार हो कि पत्थर पे नक्श छोड़ दे और रेत पे नक्श ना छोड़े, तो फिर दिलों की भी यही कैफियत है कि जिसके दिल पे तो हजरात 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने हर ज़हन को तैयार किया कि पहचान भी लो, जान भी लो, देख भी लो, याद भी रखो और दूसरों तक पहुंचाओ कि 12वां आ चुका है गैबत में जाने वाला। तो जहन तैयार होने लगे और जिस तरह से जहन तैयार हुए, समझाया जा रहा था, देखो ये गैबत। देखिए हजरात आइम्मा अलैहिस्सलाम ने हमेशा कहा कि हम कादतुल उमम हैं, उम्मतों के कायद हैं। अरबी जबान में दो इस्तलाहें इस्तेमाल होती हैं, कायद और साइक। कायद लीडर को कहते हैं, साइक ड्राइवर को, मौजूदा जबान में साइक। अच्छा, ओरिजिनल बुनियादी अरबी जबान में ऊंटों को चराने वालों को कायद और साइक कहा जाता था। मजमे की तवज्जो है ना मेरे साथ, ऊंटों को चराने वालों को, लेकिन एक फर्क के साथ, जो ऊंटों को आगे से पकड़ के चलता था ना उसे कायद कहा जाता था, और जो पीछे से हांका करता था डंडा पकड़ के हाथ में हांकने वाला ऊंटों को, उसे साइक कहा जाता था। आयमा कहते हैं नहनो कादत, हम उम्मतों के कायद हैं, सायक नहीं है। हम लाठियों से मार मार के चलाने वाले नहीं हैं, हम लीड करने वाले हैं, हम रहबरी करने वाले हैं, हम कयादत करने वाले हैं। कयादत के लिए शर्त है, वो जो सामने चलता है ना ऊंटों के, तो वो एक ऊंट की मिहार को पकड़ता है, बाकी सारे ऊंट कतार में चलते रहते हैं। उन ऊंटों के लिए तरबियत शर्त है, वो जब सिधाए हुए होते हैं ना, तरबियत याफ्ता होते हैं, तो वो एक की मिहार को पकड़ता है, बाकी सारे एक कतार में चलते रहते हैं। लेकिन जब वो सधाए बने ना होते, तो कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, वो एक हाथ में छड़ी ले लेता है और वो मारता, वो सबको वापस गल्ले में लेके आता है। मौला ने कहा देखो हम छड़ियों से मार मार के लेके नहीं आएंगे, वो तो बहुत से मौजूद हैं, आज जितने हुक्मरान हैं वो छड़ियों से मार मार के लाने वाले हैं। मौला ने कहा हम कायद हैं, तुम अपनी तरबियत कर लो, हम कयादत के लिए आ जाएंगे। कमी इमाम में नहीं है, कमी हम में है, ये याद रखें। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तहारीन।